हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर रिएक्ट कर रहा हूं मैं एक इंटरेस्टिंग और वो कुछ इस टाइप की है कि इमरान खान की गवर्नमेंट या फिर इमरान खान के अचीवमेंट जो गवर्नमेंट ने की है उनकी जितने भी साल वो रही है उसके बारे में वीडियो होगा। सो हैज़ इमरान खान रेज्ड द गवर्नेंस स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान, पीटीआई गवर्नमेंट 2018 से 22 तक का उनका जो डेटा है वो देखेंगे हम। And this video is from Device Side channel and link in the description box below. Okay, so let's start the video now. Hello, Jix, कैसे हैं आप सब? आज एक और important episode के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान के स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कि इनकी जो सारा तरीका कार था, इनकी टीम थी ना तजर्बाकार थी, इनकम्पिटेंट थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। हम ये देखेंगे ज़रा पास्ट गवर्नमेंट्स के साथ कंपैरिजन करके कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान में जो गवर्नेंस के स्टाइल हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको बदला है। इनकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं इन 3.5 सालों में जो इनको पहली बार मौका मिला था। इमरान खान का जो पूरा दौरे हुकूमत था 3.5 साल का, उस पर हम एक गहरी नज़र डालेंगे और देखेंगे उनके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के बारे में। तो शुरू करते हैं 2018 से इमरान खान की हुकूमत आई। हाँ। और उन्होंने सबसे पहला काम ये किया फॉरेन पॉलिसी के महाज पर कि भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसको हमने शुरू से देख लिया कि जो मोदी सरकार थी उन्होंने अजीबोगरीब मंतक पेश करके उस दोस्ती को रिजेक्ट कर दिया, उस ऑफ़र को। खान ने फिर उसी साल भारत को करतारपुर कॉरिडोर की ऑफ़र की, जिसको इंडियन पंजाब वालों ने बहुत ज़्यादा वेलकम किया और रोते रोते मोदी सरकार को इस फैसले को मानना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था जिसकी वजह से पंजाब को बहुत ज़्यादा फायदा, काफ़ी ज़्यादा करतारपुर कॉरिडोर इमरान खान के इस इनिशिएटिव की वजह से ये शुरू हो गया। मतलब इतनी ज़्यादा होस्टिलिटी के बावजूद ये प्रोजेक्ट पार्टी तक पहुँच गया। खान का ख्याल ये था कि हमारी जो पीस ऑफर्स हैं इंडिया की तरफ, मोदी सरकार की तरफ, वो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। और सिर्फ 4-5 माह बाद ही जब खान की गवर्नमेंट आई तो इंडिया ने क्या हरकत की, 2019 फरवरी में उन्होंने हम पर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की बालाकोट में। वहाँ पर इंडिया ने यह समझा कि इमरान खान की हुकूमत को प्रेशर में डाल दिया जाएगा, लेकिन विद इन 24 आवर्स पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि भारत उसको आज भी याद रखता है। और वो जो डिसीजन लिया था पाकिस्तान ने, उसमें बहुत बड़ा हाथ था आपकी लीडरशिप की, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग का, बर वक्त बेहतर फैसले का, जिसमें पूरी क्यादत इकट्ठी हुई प्राइम मिनिस्टर के अंडर और उन्होंने फैसला किया कि भारत को सख्त जवाब दिया जाएगा। भारत के हमने जहाज़ मार गिराए, अभिनंदन वाला वाकया, और फिर उनको वापस करना अभिनंदन को जो एक जंगी कैदी था। तो पाकिस्तान ने बड़ी, पूरी दुनिया की तरफ से बड़ी तारीफ हुई पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने बर वक्त एक्शन लेकर बड़े बेहतर डिसीजन किए हैं, जंग को रोका है, दुश्मन को जवाब दिया है और उनका कैदी वापस भी कर दिया है। उस वक्त हमारी लीडरशिप ने ये साबित किया कि किस तरह भारत के जो अजाइम थे कि पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए, उसको उन्होंने भारत की जिल्लत में कन्वर्ट कर दिया, जिसको वो आज भी नहीं भूले। मेरे दोस्त हैं तैयब इब्राहिम साहब, जिनसे अभी हमने एक पॉडकास्ट किए रिसेंटली, वो बड़े न्यूट्रल हैं, वो जेन्युइन वाले न्यूट्रल हैं। उनके अगर आप तजिए सुने ना तो आपको पता लग जाता है कि वो इमरान खान के बारे में एक बात कहते होते हैं कि वो बंदा मैन ऑफ क्राइसिस था, कि जो भी क्राइसिस की सिचुएशन आती थी पाकिस्तान के ऊपर, इमरान खान उसको बड़ा लाइक अ बॉस हैंडल किया करता था। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को आप देख लें जिसमें बड़ी बड़ी घबरा जाती हैं फैसला लेने से, इमरान खान उस क्राइसिस के बाद एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर इमर्ज करता था अपनी अच्छी डिसीजन मेकिंग की वजह से। कंपेयर कर लें, अगर 2019 फरवरी में जरदारी या नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो क्या हम भारत को इस तरह का जवाब दे पाते या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब आपको याद होगा हम तो एक एक चीज़ कवर कर रहे थे मार्च 2019 तक, यानी कि इमरान खान गवर्नमेंट के 6 महीने तक जो आपकी इकॉनमी है वो काफ़ी अनसर्टेनिटी का शिकार थी, क्योंकि इनके बैकडोर रबते चल रहे थे IMF के साथ। तकरीबन मार्च अप्रैल के करीब जब असद उमर को फारिग किया गया तो इन्होंने एक डील फाइनलाइज की IMF के साथ, एक फाइनल डिसीजन लिया और पाकिस्तान की इकॉनमी और फॉरेन पॉलिसी पर सही मानों में काम शुरू कर दिया, ये मार्च 2019 के बाद। और उस सारे प्रोसेस में इमरान खान को एक बहुत मुश्किल फैसला करना पड़ा, जिसको बहुत से लोग उस वक्त जस्टिफाई कर रहे थे, और वो ये कि बहुत सी चीज़ों की इनको कीमतें बढ़ाना पड़ी।
जैसे ये बिजली वगैरह की, और उस वक्त ये उनकी गवर्नमेंट हमें ये बता रही थी कि मुश्किल फैसले हमें लेने पड़ेंगे, और उन्होंने लिए ये मुश्किल फैसले और पब्लिक बैशिंग उन्होंने वसूल की। तो अगर आप हमारे पुराने फॉलोअर हैं तो आपको याद होगा कि हम उस वक्त एक एक चीज़ को कवर कर रहे थे, एक एक चीज़ पर हमारी नज़र थी, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे दूसरी पॉलिसीज हो या हमारी फॉरेन पॉलिसी। 2019 के स्टार्ट से ही इमरान खान ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत सख्त मेहनत शुरू कर दी थी। MBS का विज़िट हुआ, फिर इमरान खान का अमेरिका का विज़िट हुआ, ट्रंप से वो मिले, रॉयल कपल पाकिस्तान में आया, मलेशिया के सदर थे वो पाकिस्तान आए, तुर्की और ईरान के साथ हमने एक नए सिरे से बातचीत का आगाज़ किया। तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गई थी हमारी ये जो सारी फॉरेन पॉलिसी, रीजनल कनेक्टिविटी का हमने ये सारा प्लान तरतीब दिया, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी और रूस से भी बातचीत शुरू हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट CPAC का जो दूसरा फेज़ था वो भी 2019 में उसको स्टार्ट करने के हवाले से चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी। तो 2019 में इमरान खान एक पूरा ग्राउंड तैयार कर चुके थे कि किस तरह हमने आगे बढ़ना है फॉरेन पॉलिसी और इकॉनमी के महाज पर। और आपको याद होगा कि अक्टूबर 2019 के करीब हम उस वक्त कवर कर रहे थे कि किस तरह पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट सारी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ी थी ग्रोथ के हवाले से, पहले बहुत नीचे गई थी फिर बहुत तेज़ी से वो वापस रिकवर होना शुरू हुई थी। और उन्हीं महीनों में जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही थी, इकॉनमी बेहतर होना शुरू हो गई थी, इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर थी, मौलाना फजलुर्रहमान और ये जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं इन्होंने बड़े ही खौफनाक किस्म के इन्होंने एहतजाज वगैरह शुरू कर दिए थे। अभी एक साल पूरा नहीं हुआ था इमरान खान की हुकूमत को आए हुए। 2020 का आगाज़ होता है, इन्होंने डिजिटल महाज पर कुछ अच्छी पॉलिसीज लॉन्च की, यूट्यूबर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स से इनकी मुलाकात हुई इमरान खान की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया, और उन्हीं महीनों में इनका मुआहदा हुआ अमरीकियों का अफगान तालिबान के साथ, और वो भी पाकिस्तान ने करवाया था, वो भी इसी हुकूमत ने फैसिलिटेट किया था, ट्रंप को सारा फैसिलिटेट करने वाली इमरान खान सरकार थी। अब उसके बाद क्या होता है, ये सारी डेवलपमेंट्स के बाद जब क्लियर मतलब हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले थे, COVID-19 आ गया और इस तरह के मुश्किल डिसीजंस लेने पड़े कि वो तारीख भी याद रखेगी। और आपको याद होगा कि उस वक्त बहुत से ऑपोजिशन लीडर्स, ये स्पेशली पीपल्स पार्टी वाले, ये चीखे मार रहे थे कि ये मुल्क को पूरा बंद क्यों नहीं कर रहे। इमरान खान ने कहा कि हमें एक बैलेंस रखना पड़ेगा, अपने गरीबों को भी हमने बचाना है गुरबत से, कहीं वो फाकों से ना मर जाए, और हमने हेल्थ केयर सिस्टम को भी मेंटेन रखना है। इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी अपनाई बजाय कि फुल कंप्लीट लॉकडाउन करने के, उन्होंने पूरी दुनिया की मिसालें दी, और उन्होंने कहा कि हम कोई अमेरिका नहीं है जहां उन लोगों के पास इतना पैसा है कि वो घर बैठे भी लोगों को खिला सकते हैं। क्लियर उन्होंने बात की, सीधी बात थी। इसके बावजूद उन्होंने बहुत से लोगों को यहाँ पर, गरीब लोगों को पैसे दिए, हमारी सरकार ने भी, तो वो तो सारी दुनिया जानती है कि COVID-19 में क्या परफॉर्मेंस रही, बेहतरीन। स्मार्ट लॉकडाउन्स के ज़रिए हमने इकॉनमी को भी हमने उसको जारी रखा, उसको चलने दिया, इकॉनमी का पहिया नहीं बंद हुआ। इसके अलावा जो हेल्थ केयर का पूरा सिस्टम है उसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलाया, जिस तरह इन्होंने फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए, जिस तरह इन्होंने आपके ये जो सारे क्वारंटीन सेंटर्स हैं वो कायम किए, फिर वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए, बहुत ही बेहतर तरीके से सारी मैनेजमेंट की, और इसमें फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी मदद ली गई। COVID-19 की जो हमारी परफॉर्मेंस थी इसको पूरी दुनिया ने इंडोर्स किया, और पाकिस्तान फिर नॉर्मलसी इंडेक्स में भी टॉप पर था, यानी कि कोरोना के बाद जो बाउंस बैक करने वाली इकॉनमीज़ उनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त था, कि यानी कोविड को भी अच्छी तरह से मेंटेन किया, उसके बाद जब इकॉनमी खुली है वापस, मार्केट्स खुली हैं, तो उसमें भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्राइसिस आया, सप्लाई चेन का क्राइसिस आया, जिसको फिर हमने कवर किया 2021 में, पिछले साल इन्हीं दिनों में वो शुरू हो गया था, यानी कि जब मार्केट्स खुली तो सप्लाई चेन आपकी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हुई थी, उस सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हमें महंगाई का सामना करना पड़ा, और तब भी IMF ने हमसे कहा कि हम कुछ टफ डिसीजंस लें। पेट्रोल की प्राइसेस, बिजली की जो प्राइसेस थी उनको हमें बार बार महंगा करना पड़ा, और ये टफ डिसीजंस लिए इमरान खान ने। इमरान खान को आइडिया था कि शदीद पब्लिक बैशिंग होगी, लेकिन उन्होंने इसको टफ फैसले लिए, और अभी की सरकार की बात करें तो वो टफ डिसीजंस नहीं ले पा रहे, क्योंकि इनको पॉलिटिकल कॉस्ट की टेंशन हुई हुई है कि सारा पॉलिटिकल मलबा हमारे ऊपर ना गिर जाए।
हुकूमत करने आए थे, ये नहीं पता किस मकसद के लिए आए थे, पाकिस्तान को बचाना था या नहीं, लेकिन अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट वो अदा नहीं करना चाहते कि लोग उनकी बैशिंग शुरू कर दें। वो अपनी पॉलिटिकल माइलेज को देखने के हमारी पॉलिटिकल साख ख़राब ना हो, पाकिस्तान चाहे बिल्कुल ही उसका कबाड़ा निकल जाए। और याद रहे कि 2018 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तब भी इन्होंने जो मुश्किल फैसले लिए थे उस वक्त इनको $19 बिलियन के खसारे का सामना था, वो भी इन्होंने रिकवर किया। इमरान खान की गवर्नमेंट के बर वक्त डिसीजंस की वजह से हम फिस्कल ईयर 2021 और 22 जो कोरोना के बाद के ईयर्स थे जिनमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा, उसके बावजूद हमारी इकॉनमी ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। फिस्कल ईयर 2021 में हम 5.74 के साथ हमने ग्रो किया। इसके अलावा अभी जो रीसेंट फिगर आए हैं 2021 और 2022 फिस्कल ईयर के, वो 6% ग्रोथ के फिगर आए हैं। और उसमें ये हुआ कि 6% ग्रोथ के साथ साथ पाकिस्तान का ओवरऑल जो जीडीपी का साइज़ है वो भी 383 बिलियन तक क्रॉस कर गया है। इसके अलावा पाकिस्तानियों का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी $1800 के करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम इमरान खान के दौर में एक बार फिर भारत के जो लोगों का पर कैपिटा इनकम है उसके तकरीबन उसके करीब पहुँच गया है। 2021 में ही अमेरिकन फोर्सेस का इनखला होता है अफगानिस्तान से, और एक बार फिर इमरान खान ने बहुत टफ डिसीजन लिया, और वो डिसीजन ये था एब्सोल्युटली नॉट का डिसीजन। हमने उनको बेसिस देने से भी साफ इनकार किया, और पहले हमने देखा था चाहे सिविल मिलिट्री कोई भी हुकूमत होती थी उसके हाथ पैर फूल जाते थे, वो सोचते ही रहते थे, वो लटकाते थे या डबल गेम करते थे या कुछ भी। इमरान खान ने यहाँ पर दो टोक अल्फाज में कहा कि हम आपको बेसिस नहीं देंगे क्योंकि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते। तो कोविड के साथ साथ जो अफगानिस्तान वाली सिचुएशन थी वो इमरान खान ने पिछले साल ये अगस्त सितंबर तक बड़े बेहतरीन तरीके से हैंडल की। उसके बाद हमने देखा कि एक ऐसा कोई सीन हुआ कि पाकिस्तान में भी फिर जो दहशतगर्दी की लहर है वो एक बार फिर वापस आना शुरू हुई। इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि इसीलिए हम जनरल फैज़ को दिसंबर जनवरी तक रखना चाहते थे क्योंकि इनको पता था कि कुछ अटैक्स लॉन्च होने हैं पाकिस्तान में, तो इसी वजह से वो चाह रहे थे कि जो पॉलिसीज़ का तसलसल है वो बरकरार रहे, लेकिन उसको नहीं बरकरार रखने दिया गया। तो बेसिस देने से इनकार करना, लॉकडाउन करना या ना करना, वैक्सीनेशन, कोविड सेंटर्स, भारत को जवाब देना, एब्सोल्युटली नॉट जैसे डिसीजंस शो करते हैं कि इमरान खान एक डिसीजन मेकर था, एक डिसीजन लेने वाला लीडर था, क्लियर उसका थॉट प्रोसेस क्लियर था। इसके अलावा इमरान खान मुश्किल मामलात में कम्युनिकेट करता था। अगर कोई भी मजहबी जमात है, अगर कोई ख़तरनाक किस्म की अगर कोई कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल होती थी तो वो कम्युनिकेट करता था। उसने रीज़न बताई कि हमारी बड़ी लिमिटेशंस हैं। कोविड लॉकडाउन के हवाले से भी इमरान खान ने बर वक्त आवाम से कम्युनिकेट किया, बड़े बड़े जर्नलिस्ट से मुलाकात की कि यार क्या हमारी होगी फ्यूचर प्लानिंग, प्राइसेस बढ़ाना हो या बैरूनी दबाव। खान ने हमेशा कौम को एतमाद में लिया है, और ये इनकी मेरे हिसाब से सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इमरान खान की कि इनको कम्युनिकेट करना आता था। जो मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि ये जो करंट सेटअप है, ये जो करंट रिजीम है, इनमें से किसी एक लीडर के पास भी वो एबिलिटी नहीं है कि अवाम को एतमाद में ले सके। हमारी वीडियो देखने के बाद शायद इनको ये आइडिया आ जाए, लेकिन उसके लिए भी आपको वर्ड्स चाहिए होते हैं, अवाम के साथ एक हमदर्दी वाला लेवल चाहिए होता है जो शायद इनके पास नहीं है। अभी सिटीज़न ऐप इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, सिटीज़न पोर्टल जिसमें अवाम शिकायत करती थी कोई भी, और काफ़ी हद तक उसमें एक्शन लिया जाता था। ये नहीं मैं कह रहा बड़ी आइडियल 100% परफेक्ट थी, लेकिन एक अच्छी काविश थी कि एक चेक एंड बैलेंस, एक डर था आपके सरकारी ऑफिसर्स को कि हमने अवाम के ये मसले हल करने हैं। इसके अलावा इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक डिजिटल मीडिया विंग बनाया गया जिसने बड़ी खिदमत की पाकिस्तान की। जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स थे, ऑनलाइन एसेट्स थे, आपके फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ऑफिस के, आपके डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के, आपके पीएम ऑफिस, आपका प्रेसिडेंट, इन सब के जो डिजिटल एसेट्स हैं उनको मेंटेन किया, स्पेशली ट्विटर पर। और ऑब्वियसली हर मुल्क के होते हैं, पाकिस्तान में ये प्रोसीजर पहले फॉलो नहीं हो रहा था, तो डिजिटल मीडिया विंग ने ये काम किया कि इन सब पेजेस को बनाया, फिर इनको वेरीफाई करवाया, और फिर एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन शुरू की पाकिस्तानियों के साथ और दुनिया के साथ, एक कम्युनिकेट करने का बड़ा अच्छा इन्होंने इस टूल को यूज़ किया। NCOC का जो क्याम था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, जिसमें मिलिट्री के साथ मिलकर टफ डिसीजंस किए इन्होंने कोविड लॉकडाउन के हवाले से,
उसकी भी जो कम्युनिकेशन थी वो भी टॉप लेवल पर थी और वो भी सोशल मीडिया पर टोटली एक्टिव थे। इसके अलावा ये जो डिजिटल मीडिया कंपनीज हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब वगैरह और टिकटॉक वगैरह, इनसे भी रबते का एक जामिया प्लान इन्होंने तरतीब दिया और इनसे कम्युनिकेशन शुरू की ऑफिशियल लेवल पर जो भी मसले मसाइल थे। इसमें बड़े मसले भी आते रहे बीच में, हमने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को, इनके अप्रोच को, इनको गाइड करने की हमने भी कोशिश की, इन्होंने भी हमारे से फीडबैक लिया डिजिटल क्रिएटर से कि किस तरह चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए। तो मसले बीच में आते रहे लेकिन इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे थे। इसके अलावा इमरान खान के दौर में जो आपकी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, स्टार्टअप फंडिंग में इजाफा हुआ, टैक्स कलेक्शन में टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड रही, रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा आई, जीडीपी सबसे ज़्यादा ग्रो किया पाकिस्तान का, पाकिस्तान के ट्रैवल एंड टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, नए डैम्स का आगाज़ हुआ और पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च हुई। हेल्थ कार्ड एहसास और ये जो पनागाहों जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने सही मानों में गरीब इंसान को फ़ायदा पहुंचाया। इमरान खान ने दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट टेक्नोक्रेट्स को भी अपनी हुकूमत में जगह दी, उनको स्पेशल असिस्टेंट वजीर मशीरों का उनको स्टेटस दिया और उन्होंने डिफरेंट डोमेन्स में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खिदमत की। जैसा कि फैसल सुल्तान, ये टॉप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, पूरी दुनिया में इनका नाम है। सानिया निश्तर, इनका वर्ल्ड बैंक और यूएन का इनका एक्सपीरियंस था, इन्होंने एहसास प्रोग्राम को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलाया। रज़ा बाकिर का इकॉनमी के मैदान में बहुत ज़्यादा तजुर्बा था, इनको स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया और रज़ाक दाऊद जैसे बहुत ही सुलझे हुए बहुत ही तजर्बाकार बिजनेसमैन को इन्होंने अपना कॉमर्स एडवाइज़र बनाया, यानी कि ट्रेड एडवाइज़र, यानी कि जो ट्रेड को देखते थे आपकी डिफरेंट ममालिक के साथ। और डेफिनेटली इनकी पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हुआ है। एनवायरनमेंट के हवाले से इमरान खान की पॉलिसी सबके सामने है, इसको दुनिया भर के इदारे इसको इंडोर्स करते हैं। कैबिनेट मीटिंग्स इमरान खान करते थे, बार बार उसका सलूशन निकालते थे। पहले पाकिस्तान में होता था कि जो भी हुकूमत होती थी वो अपनी मर्ज़ी करती थी और अवाम को कुछ पता नहीं होता था कि ये हुकूमत क्या कर रही है। हमेशा से एक डिसकनेक्ट रहा है अवाम का हुकूमत के साथ। मेरे हिसाब से ये जो हुकूमत थी पीटीआई की, पहली बार इसने अवाम से कम्युनिकेट किया है, डिफरेंट मसलों पर अवाम को इन्होंने एतमाद में लिया है और एतमाद अवाम को साथ लेकर चले हैं। अवाम को एक सेंस थी कि यार कोई हमारी बैक पर खड़ा है, कि कोई अगर कोई मसला होगा तो कोई हुकूमत कोई सुनने वाला है यहाँ पर। पहले इससे पहले ऐसा ट्रेंड नहीं था और शायद ये डिजिटल दौर की भी एक वजह है कि अब लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपनी हुकूमतों से कि वो उनको जवाब दे और हमारे करंट रजीम में ये एबिलिटी नहीं है। लोग आपसे सवाल करते हैं, लोगों को सलूशन चाहिए टाइम पर, क्योंकि ये डिजिटल एज है। और जो पुरानी हुकूमतें आई थी इन्होंने कभी कोई टफ़ डिसीजन लिया ही नहीं था, क्योंकि इनको पता था कि अवाम को हम अंधेरे में रख सकते हैं इजीली। अब जब इनको टफ़ डिसीजन लेने पड़ रहे हैं तो इनके हालात आप देख लें। अब ये खबर आ रही है कि ये जो करंट रजीम है ये आईएमएफ से जब निगोशिएशंस कर रहा है तो ये कह रहे हैं कि जी देखें, हम तो पाकिस्तान तो स्टेबलाइज़ हो चुका है, 6% की ग्रोथ है, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो तो सब सेट हो गए हैं, तो आप बस देर ना कीजिए और पैसे हमें दीजिए, सब ओके है। तो वो जो पॉलिसीज़ की तारीफ कर रहे थे इनडायरेक्टली, वो इमरान खान की ही हुकूमत की पॉलिसीज़ की तारीफ कर रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब। लेकिन टीवी पर आकर वो आपको ये बताते हैं कि इमरान खान बहुत ही, इमरान खान ने तबाह कर दिया सब कुछ और उनसे इकॉनमी नहीं चली। हकीकत ये है कि उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बेस पर वो आईएमएफ से नए कर्जे लेना चाह रहे हैं। इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में टफ़ डिसीजंस लिए पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी और कोविड मैनेजमेंट के लिए। इसमें नो डाउट कई चैलेंजेस और कई मसाइल भी थे जिनको हम हाईलाइट करते रहे। जैसे हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमने कुछ बाज़ुकात हमने क्रिटिसाइज़ किया, हमने डिजिटल इनकी जो पॉलिसीज़ थी उस हवाले से हमने क्रिटिसाइज़ किया, हमने गवर्नेंस, महंगाई, हम बड़ा मिक्स एंड मैच तरीके से चीज़ों को लेकर चलते रहे और सारी चीज़ों को हम कवर करते थे। जब महंगाई होती थी, जब कोई पाकिस्तान की अचीवमेंट होती थी, जब कोई भी डेवलपमेंट होती थी पाकिस्तान से रिलेटेड, तो मुझे तो सारी चीज़ें रटी हुई हैं, मेरे तो मतलब फिंगरप्रिंट्स पर हैं ये सारी चीज़ें। इसमें ये चीज़ भी हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जब इमरान खान की हुकूमत आई ना 2018 में, जब इनको $19 बिलियन का खसारा था, जब इन्होंने बड़े सख्त फैसले करने थे इकॉनमी और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तब पूरी दुनिया में इनके खिलाफ एक बड़ा विशियस किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था। उस वक्त मैं उसको कवर कर रहा था और उसके पीछे नो डाउट एक तो जो
पाकिस्तान में इनके खिलाफ लॉबीज बैठी हैं वो थी, एक भारतीय लॉबी थी और एक अमेरिकन लॉबी थी। ये पूरी दुनिया के मीडिया पर इनको पपेट शो करवा रहे थे, इनको इनकम्पिटेंट बता रहे थे। इनको अभी एक हफ्ता हुआ नहीं था और ये कहना शुरू हो गए थे लोग कि इमरान खान देखो जी ना तजर्बा कार है, इसने तो बिल्कुल ही मुल्क को तबाह कर दिया। अभी एक हफ्ता नहीं हुआ था तो ये बातें हो रही थी, लेकिन आज जब 3.5 साल बाद जब हम देखते हैं और दूसरों के साथ इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं तो हमें बहुत से सवालों के जवाब खुद नज़र आ जाते हैं। डिजिटल एज है, कोई बंदा झूठ नहीं बोल सकता, फिगर्स झूठ नहीं बोलती। मैं अगर झूठ बोलूँगा तो आप लोगों के पास ये राइट है कि आप गूगल पे सर्च करके मुझे रिफ्यूट कर सकते हैं, मुझे आप गलत साबित कर सकते हैं। इसीलिए मेरा उन मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर से भी मशवरा है कि आप आवाम को पागल समझना छोड़ दें, और बहुत से पॉलिटिशियन से भी जो ये समझते हैं कि हमारे माथे पर लिखा हुआ है हम बेवकूफ़ हैं। कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई इल इन्फॉर्म्ड नहीं है यहाँ पर। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये सिर्फ एक याद दहानी है आप सब लोगों के लिए, हम सब के लिए, कि क्या स्टैंडर्ड्स थे इमरान खान के और दूसरों के। इमरान खान ने नो डाउट पाकिस्तान के जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा उनका लेवल अप किया है। अब अगर कोई नई हुकूमत आती है डेफिनेटली उसके लिए स्टैंडर्ड्स हाई हैं, आवाम की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। और अगर आप कोई समझता है कि हम आवाम को अंधेरे में रख कर फैसले कर सकते हैं तो वो सिर्फ अपना ही नुकसान करेंगे और पाकिस्तान का, आवाम आपको फ़ौरन पकड़ लेगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप मेरे से एग्री करते हैं कि नहीं, क्या इमरान खान ने पाकिस्तान में गवर्नेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको रेज किए या नहीं, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। पिक्चर पे लिखा हुआ है 10 अचीवमेंट्स, लेकिन इमरान खान के बहुत सारे अचीवमेंट थे, इसमें बेतादाद अनगिनत बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो इकोनॉमी का राइज करना हो, इनके टाइम में इन्होंने ऐसे काम किए, या डिसीजन मेकिंग की बात की इन्होंने, तो मुझे मैं अग्री किया इस बात से कि यस डिसीजन मेकिंग में वो बहुत सही है। आई थिंक मेरे हिसाब से भी ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए हैं उन्होंने और क्विक डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजंस लेते हैं वो कि यार इस जगह पर क्या होना चाहिए, ये मुसीबत आ पड़ी है तो घबरा कर बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करते ताकि कुछ बिगड़ जाए मामला, सही डिसीजन सही टाइम पर ले लेना वो मैंने भी दिखाए, एंड दैट इज़ गुड पॉइंट। 2018 से 2022 तक का उनके अचीवमेंट्स थे इसमें, चाहे वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो, सोशल मीडिया को लेकर मुझे इसमें याद आया कि मैंने उस टाइम पर देखा था जब इन्होंने मीटिंग की थी यूट्यूबर वगैरह से, तो बहुत कुछ इन्होंने सोशल मीडिया डिजिटल जाने की कोशिश की इन्होंने, गवर्नमेंट के ज़रिए पब्लिक से इंटरेक्ट किया, एक पब्लिक से कनेक्शन बनाया उन्होंने कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक खुश है या नहीं है, पब्लिक के लिए क्या काम करना चाहिए उससे पता चलता है, मतलब कनेक्शंस बनाने से ही पता चलता है, तो वो बहुत सही डिसीजन लिया था इन्होंने। बहुत सारे लोग मिले थे उनसे जाकर, बड़े बड़े यूट्यूबर्स मैंने वो देखा था, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान के टाइम में हुई हैं जिसने मदद की है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने में, और एक जो इमेज होती है उसको ऊपर लाने में, बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले ऊपर लाने में, जैसे कोई कंट्री यहाँ पर है तो पाकिस्तान यहाँ थी उसको लाते 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 थोड़ा ही नीचे रह गया वो भले ही, लेकिन वहाँ तक ले जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं इनकी जो स्ट्रेटजीज रही हैं। नई गवर्नमेंट जो आई है उन्हीं के बनाई हुई चीज़ों पर काम भी करेगी, तो वो ये नहीं कहेंगे कि ये इमरान खान ने काम किया था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं या उसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हो रहा है, कह देगा कोई क्या, ऐसे कभी नहीं कह सकता। क्या लगता है कि आगे आने वाले 3-4 साल में अगर ये गवर्नमेंट रही जो है अभी, तो वो इन चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकती है या कर पाएगी या पहले किया है इमरान खान से, सो वो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।